गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद अब भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। लगातार सातवीं बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और सोमवार को यानी कि कल भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। शपथ से पहले भूपेंद्र कैबिनेट में नामों को लेकर फाइनल मुहर लग चुकी है और शनिवार को देर शाम तक पीएमओ में चली बैठक के बाद गुजरात कैबिनेट का नाम फाइनल हो गया है। कल यानी कि 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और सभी राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नई सरकार सोमवार को भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में शपथ लेने वाली है, लेकिन उससे पहले शनिवार को दिल्ली में पीएम आवास पर नई कैबिनेट की पूरी तस्वीर पर विस्तार से चर्चा की गई। खुद पीएम मोदी ने गुजरात कैबिनेट के नामों पर फाइनल मुहर लगाई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इधर गांधीनगर में ऐतिहासिक शपथ की तैयारी जोरों से चल रही है। इससे पहले अहमदाबाद में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल को नेता चुन लिया गया। शनिवार को नेता चुने जाने के ठीक बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की और 12 तारीख को अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय मांगा। सोमवार यानी 12 दिसंबर को गुजरात की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गुजरात के 18वें सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे। गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल जहां दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं सूत्रों की माने तो कैबिनेट के करीब 20 सहयोगी भी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नई सरकार के शपथ के साथ ही अगले दिन यानी 13 दिसंबर से भूपेंद्र कैबिनेट काम काज संभाल लेगा और फिर 27 सालों के गुजरात और बीजेपी के रिश्तों के एक्सटेंशन के साथ ही सरकार के 5 साल के नए सफर की शुरुआत हो जाएगी। पिछले 27 साल से यही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अदा करता है। ये 5 साल यही जिम्मेदारी और गंभीरता पूर्वक लोगों के साथ मिलकर जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में साथ में रह के कामगिरी करेगा और गुजरात के विकास में जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे, मेहनत कर रहे, वो मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहभागी बने। नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल से मुलाकात के बाद गुजरात के सीएम और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल केंद्रीय नेतृत्व को शपथ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने दिल्ली पहुंच गए, जहां पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात कर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण के साथ साथ गुजरात मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाए इस पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट के नामों पर फाइनल मुहर लगाने के लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद रहे, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नई सरकार के साथियों के नाम पर चर्चा की। चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र कैबिनेट के मंत्रियों के नाम तय किए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले चेहरे भी कैबिनेट में हो सकते हैं, लेकिन वो चेहरे कौन होंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा दिल्ली से गांधीनगर तक हो रही है। उनमें विसनगर से विधायक ऋषिकेश पटेल, सूरत के मजूरा से विधायक हर्ष सांघवी, जैतपुर से जीते हुए जयेश रादड़िया, गांधीनगर दक्षिण से विधायक चुने गए अल्पेश ठाकुर और विरम गांव से विधायक हार्दिक पटेल शामिल हैं। श्योरिटी हो सकती है कुछ नामों की, हर्ष सांघवी जरूर उनमें शामिल होंगे, इसके अलावा ऋषिकेश पटेल हो सकते हैं जो विसनगर से जीत के आए, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और पार्टी ने उन पर इस बार विश्वास भी रखा। हालांकि इस बार विसनगर में मामला काफ़ी टफ था, फिर भी भारी मेजॉरिटी से जीत करके आए हैं। इसके अलावा जयेश रादड़िया को मैं समझ रहा हूँ कि शायद चांस मिलना चाहिए, जेतपुर से जीत कर आए हैं, बड़े पाटीदार नेता हैं, रूपाणी सरकार में थे, जब सरकार का चेहरा बदला गया
तब उन्हें भी बदल दिया गया, लेकिन उन पर विश्वास करके उन्हें वापस टिकट दी गई और उन्हें आसपास के इलाकों की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो सीटें पिछली बार हार गई थी बीजेपी, वो भी जीती है, जैसे धोराजी की सीट है। इसके अलावा अल्पेश ठाकुर का नाम मुझे लग रहा है, शंभू प्रसाद टूंडिया जो हैं दलित नेता हैं, रमनलाल वोरा एक एक्सपीरियंस्ड चेहरा है, इसके अलावा पंकज देसाई का नाम मुझे लग रहा है। ये मंत्रिमंडल जो है ऐसा लग रहा है कि एक मिक्स होगा अनुभव का और एज का। बीजेपी ने इस बार गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जाहिर है पार्टी को हर वर्ग और हर क्षेत्र का वोट मिला है, ऐसे में मंत्रिमंडल में सभी वर्ग और क्षेत्र के लोगों को शामिल करने का दबाव होगा। बीजेपी गुजरात में 1995 के बाद से लगातार सत्ता में है। 27 सालों के शासन के बाद भी 156 सीट पर रिकॉर्ड जीत से पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ऐसे में हर वर्ग को साथ लेने की रणनीति पर बीजेपी काम करेगी और इस बंपर जीत के साथ ही गुजरात बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी दावे करने शुरू कर दिए हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 27 साल से हमारी सरकार चल रही थी और अगले 5 साल तक के लिए भी गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उस वक्त भी पहली बार 2012 में भी 26 में से 26 सीट गुजरात की जनता ने हमको दी थी और दूसरी बार भी सभी सीटें 26 से 26 हमको दी थी। तो गुजरात की जनता का प्रेम हमारे पर बहुत है और विश्वास भी बहुत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 साल में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता की अपेक्षा आकांक्षा सपना अवश्य पूरा करेगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जहां 182 में से 156 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस 17 सीटें ही जीत पाई, तो आपको 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये लगातार 7वीं जीत है। जाहिर है गुजरात की जनता के साथ बीजेपी की 7वीं शपथ पार्टी और जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करने वाली होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।